तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग। आप देख रहे हैं टेक्निकल चिराग यूट्यूब चैनल। नो टाइम पास, नो टाइम वेस्ट, ओनली बेस्ट। दोस्तों वापस लौट के आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार वीडियो भी मैं लेके आया हूँ। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसका मेन रीज़न ये था कि यार मेरा फ़ोन जो था ख़राब हो चुका था। अब दोस्तों ना मेरे पास फ़ोन है ना कुछ, फिर भी मैं वीडियो बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। अभी मैं मेरे दोस्त के फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, उसी के फ़ोन से बना के और मेरी आईडी भी उसमें लॉगिन करके मैं सारा यहाँ पे अपलोड का काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों होपफुली मैं नया फ़ोन ले लूँगा जल्दी, जैसे मेरे को इनकम का जुगाड़ होगा। अभी कुछ मेरे पास नहीं है लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों यार वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों लौट के आ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा नई एनर्जी के साथ, काफ़ी ज़्यादा नए जोश के साथ और काफ़ी ज़्यादा नई न्यूज़ के साथ। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नई इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाया हूँ। आज की वीडियो में आपका दिमाग ख़राब करने वाला हूँ, क्योंकि यार इतने दिन जो आप यूज़ कर रहे थे वो चीज़ बेकार थी। यानी कि आपको मिड रेंज और फुल रेंज के बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि यार एक स्पीकर जिसके अंदर कॉर्न होती है उसका मूवमेंट कम होता है, एक के अंदर ज़्यादा होता है। आपके लिए कौन सी बढ़िया है कौन सी नहीं है, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो कि मुझे भी अभी थोड़े दिनों में ही पता चला है। लेकिन वो डिफरेंस आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, और दोस्तों आपका डाउट भी क्लियर करने वाला हूँ कि यार फुल रेंज की ज़रूरतें क्या होती है, कहाँ वो काम आती है, मिड रेंज की ज़रूरतें क्या होती है और वो कहाँ काम आती है। दोस्तों लाइक जरूर से करना, वीडियो को फाइनली शुरू कर लेते हैं, क्योंकि यार बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो यार थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, माफ़ कर देना। तो दोस्तों फाइनली ये वीडियो शुरू करते हैं। आप मेरी वीडियो कुछ पुराने दिनों से देखते हुए आ रहे हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर से पता होगी कि यार मिड रेंज क्या होती है, हाई रेंज क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो पास क्या होता है, बैंड पास क्या होता है, पोर्ट्रेट क्या होता है, सील क्या होता है, सारा मैंने आपको समझा रखा है। अब दोस्तों आज की वीडियो के अंदर भी यही रहने वाला है कि यार मिड रेंज और फुल रेंज दोनों के अंदर क्या दिक्कत है, दोनों में से क्या बढ़िया है क्या बेकार है। अब पहले बात करते हैं फुल रेंज, ये शब्द थोड़ा नया देखा लग रहा है, यानी कि यार इसको हमने पहले इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया था। दोस्तों फुल रेंज क्या होता है, दोस्तों फुल रेंज वो होता है जो स्पीकर थोड़ा सा मिड निकाल ले, थोड़ा सा हाई भी निकाल ले, थोड़ा सा लो भी निकाल ले। अब यार ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आप स्पीकर को अच्छा मूवमेंट देते हो तो वो लो बच के बेस निकाल लेगा, मिड में बच के मिड निकाल लेगा और हाई बच के ट्रेबल निकाल देगा, ट्विटर की आवाज़ निकाल देगा। तो दोस्तों अब बात ये करने वाले हैं कि यार फुल रेंज मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, मिड रेंज आप पहले से जानते हो, नहीं जानते हो तो यार मेरे नए सब्सक्राइबर के लिए मैं फिर बता देता हूँ। दोस्तों मिड रेंज वो स्पीकर होता है, वो कहते हैं वो ड्राइवर होता है जो केवल मिड की तरफ फोकस करके बनाया गया होता है। अब दोस्तों अगर मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहूँ, या फिर आप मन में भी एक एज्यूम कर सकते हैं लाइन, जिस लाइन के अंदर सबसे नीचे आप रख लीजिए लो को, बीच में रख लीजिए मिड को और ऊपर रख लीजिए हाई को। हाई का काम ट्विटर का, बीच का मिड का काम मिड वाले स्पीकर का, और नीचे वाले लो का काम सब वूफर का। अब दोस्तों अगर आप उसके सामने एक मिड के स्पीकर को रखते हो तो मिड के स्पीकर का सीधा फोकस मिड के ऊपर होगा, ना कि वो कभी ट्विटर की तरफ जाएगा, ना कभी वो लो यानी कि सब वूफर की तरफ जाएगा। अब समझ गए मिड क्या होता है। अब दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मेन टॉपिक यहाँ शुरू होता है, मिड रेंज वर्सेज फुल रेंज। अब दोस्तों मिड रेंज कहाँ कहाँ काम आ सकता है, कहाँ कहाँ मिड रेंज अच्छा है, कहाँ कहाँ फुल रेंज काम आ सकता है, कहाँ कहाँ फुल रेंज अच्छा है, दोनों के अंदर मैं आपको दोनों चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। क्या आप आपके होम थिएटर के अंदर मिड रेंज लगाना पसंद करेंगे या फिर फुल रेंज, वो पसंद के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपको उसका रीजन पता होना चाहिए कि यार आप फुल रेंज क्यों लगा रहे हो, आप मिड रेंज क्यों लगा रहे हो। दोस्तों अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों आप भी वैज्ञानिक हैं, मैं भी वैज्ञानिक हूँ, इसीलिए आप मेरी बातों को आसानी से समझ सक रहे हो। तो दोस्तों यार मैं बिल्कुल आपको खोद खोद के नहीं बताऊंगा, सबसे पहले अपन समझदारी से बात करते हैं। तो यार दोस्तों जो मिड रेंज होता है उसका काम क्या होता है, फुल रेंज का काम क्या होता है, दोनों मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मिड रेंज, सबसे पहले मिड का नाम ही मिड रेंज है, ठीक है, यानी कि जो मिड कवर कर दे वो मिड रेंज बन गया। अब यार मिड रेंज बना तो उसको कहीं ना कहीं बाउंडेशन दी जाती है, क्योंकि यार क्या पता वो ज़्यादा हाई पे बजा ले खुद को या फिर कभी लो पे बजा ले, ऐसा वो नहीं कर सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यार मिड रेंज हमेशा मिड पे फोकस करके बनाया जाता है, इसलिए वो ना कभी ज़्यादा लो बज सकता है ना कभी ज़्यादा हाई बज सकता है। अब उसके बिल्ट अपन क्वालिटी की बात कर ले तो दोस्तों यार मिड रेंज कभी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है अपने अंदर, क्योंकि दोस्तों जो आपने स्पीकर देखा होगा आपने उसको यूज़ भी कर रखा होगा, तो दोस्तों आपने एक चीज़ ज़रूर से नोटिस की होगी
फुल रेंज ज़्यादा मूवमेंट करता है, मिड रेंज कम मूवमेंट करता है। और मैंने मेरी पिछली कितनी वीडियो के अंदर बता रखा है कि यार जो ज़्यादा मूवमेंट करेगा वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी निकालेगा, जो कम मूवमेंट करेगा वो कम फ्रीक्वेंसी निकालेगा। यहाँ पे कम और ज़्यादा से मतलब ज़्यादा कम नहीं है, ज़्यादा कम से मतलब लिमिट से है कि यार ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी, यानी कि लो ज़्यादा निकाल लेगा, हाई ज़्यादा निकाल लेगा, मिड ज़्यादा निकाल लेगा, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कवर करेगा। और जो कम फ्रीक्वेंसी निकालेगा वो किसी एक फ्रीक्वेंसी पर फोकस होगा, वो उसी को कवर करेगा। बस तो सारा दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन कुछ तो समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार मिड रेंज क्यों लेना चाहिए, हाई रेंज या फिर फुल रेंज क्यों लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक छोटा ब्लूटूथ स्पीकर बनाना पसंद करते हो, उसके अंदर तो मिड रेंज लगाओगे या फुल रेंज लगाओगे? उसके अंदर तो फुल रेंज ही लगाओगे। क्यों लगाओगे? वहाँ पर वोल्टेज कम है, ठीक है, वहाँ पर आपको पावर कम देनी है, ठीक है, वहाँ पर आपको लिमिट के अंदर सुनना है। इसलिए एक चीज़ नोटिस की होगी कि यार जो फुल रेंज वाला स्पीकर होता है वो हमेशा आवाज़ तेज करने पे फट जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि यार उस बेचारे इतने से स्पीकर को तीन तीन काम करने पड़ते हैं। पहला हाई भी उसको निकालना है, दूसरा मिड भी उसको निकालना है, तीसरा लो भी उसको निकालना है। तो यार एक आदमी तीन काम करेगा वो ज़्यादा सही से हो पाएंगे, या फिर एक आदमी एक काम करेगा वो ज़्यादा सही से हो पाएगा? आप समझ आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। मिड रेंज का काम है मिड निकालना, तो उससे मिड निकलवाओ। हाई रेंज का काम है ट्विटर का, उससे हाई निकालना, तो उससे हाई निकलवाओ। लो रेंज का काम है सब ऊपर का, तो उससे लो निकलवाओ। तीनों चीज़ों को साथ जोड़ो, साथ चलाओ, तो सेटअप अच्छा बनेगा, ना कि यार केवल एक फुल रेंज के स्पीकर को रगड़ने से सेटअप अच्छा बनेगा। लेकिन फुल रेंज अभी क्यों चल रहे मार्केट में, उसका रीज़न भी बताते जाता हूँ। आप सोच रहे होगे कि यार ऐसा है तो फुल रेंज तो बैन हो जाने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए। नहीं, अगर छोटा सेटअप है तो वहाँ पे तीनों चीज़ें साथ नहीं चल पाएगी, यह मैंने 10 वीडियो के अंदर बोल रखा है। क्योंकि छोटे सेटअप के अंदर ये चीज़ मंजूर हो जाती है, फुल रेंज का काम हो जाता है, तीनों चीज़ें भी निकल जाएगी, तीनों फ्रीक्वेंसी अच्छे निकल जाएगी और ओवरऑल रिस्पांस अच्छा रहेगा। इसलिए मिड रेंज अपनी जगह सही है, फुल रेंज अपनी जगह सही है। लेकिन अगर आपको खरीदना है मिड रेंज खरीदो, लो के लिए अलग चीज़ खरीदो, हाई के लिए अलग चीज़ खरीदो, ना कि फुल रेंज के अंदर पैसा बर्बाद करो। ओवरऑल यही था, वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना, चैनल पर नए हो जरूर से सब्सक्राइब ठोक देना। मिलता हूँ ऐसी किसी दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपसे फाइनली विदा लेता हूँ।